हेलो डियर लिब्रा, सो लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होने वाली है। हु विल यू मैरी एंड व्हेन, कब तक होगी आपकी शादी और किससे होगी आपकी शादी, कैसे होंगे वो पर्सन, कैसे मिलेंगे वो पर्सन, कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट, कौन से कंट्री, क्या नेम इनिशियल है, क्या आपके करंट पर्सन से ही आपकी शादी होगी, कैसा होगा मैरिड लाइफ आपका, आपके जो पर्सन है आपको क्या लव सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, क्या लव लेटर देना चाहते हैं, और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, ये सब कुछ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से आप लोग अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है आप लोग अपनी बुकिंग कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे डिटेल रीडिंग मैंने डाले हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, तो वो सब भी आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, सभी लोग देखेंगे, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का नेचर कैसा है एंड पर्सनालिटी कैसी है, फिर और भी कार्ड्स लेके मैं आपको बताऊँगी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान है, ठीक है। एक डर होता है कि मुझे कहीं कोई घमंडी और एग्रेसिव या एरोगेंट पर्सन ना मिल जाए। अगर मुझे कोई घमंडी एरोगेंट पर्सन मिल गए तो पता नहीं मेरे लाइफ का क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ का डर बहुत सारे लोगों को होता है मन में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज़ से लेकर डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो मिलने वाले पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, समझदार इंसान होंगे, ठीक है। ये हर एक चीज़ से कनेक्टेड होंगे, नेचर से, एनिमल्स से, फोर एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, सारी चीज़ों से ही कनेक्टेड होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना घूमते फिरते बहुत ज़्यादा होंगे, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, पेड़ पौधे देखना, एनिमल्स देखना, ठीक है, ये सब भी इनको बहुत पसंद होगा। और आपके जो पर्सन है इनका बहुत ही सुंदर घर हो सकता है जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा गार्डन होगा, और उस गार्डन में ये पर्सन अपना बहुत सारा काम करते होंगे, समय बिताते होंगे, टाइम स्पेंड करते होंगे फैमिली के साथ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ या इनका खुद एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन यूनिवर्स के साथ दिखाई दे रहा है, और आपके भी ये पर्सन स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इस पर्सन के अंदर कूट कूट कर भरी हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर्सन के साथ आपका एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, और आपके जो पर्सन है वो आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ दे सकते हैं। इनकी फैमिली बहुत फेमस हो सकती है, इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा समाज में रिस्पेक्ट हो सकता है, और ऐसे फैमिली में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी शादी जो है वो फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी हो सकते हैं, और जहाँ भी आपकी अरेंज मैरिज होगी ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सपोर्टिव होंगे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको ना कभी भी किसी इमोशनल या मटेरियल नीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारे इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स जो हैं आपके हमेशा फुलफ़िल रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, जो आपकी फ्यूचर वाइफ बनेगी या फ्यूचर हस्बैंड, अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है और सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, इसी वजह से आप दोनों की जो बीच का रिश्ता होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ट्रस्टवर्दी होने वाला है। किसी भी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं होने वाली शादी के बाद। आपको ये नहीं फील होगा कि मैं अपने फैमिली मेम्बर से इस चीज़ को मांग लूँ, ठीक है, मैं अपने पापा से, मम्मी से इस चीज़ को मांग लूँ, कभी भी इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा हर एक चीज़ की फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और आपके पर्सन जो है वो हमेशा आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन और भी मैं क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हो सकते हैं और मैरिड लाइफ कैसी हो सकती है। दो दो कार्ड मैं साथ लेके आपको बता रही हूँ ताकि आपके पर्सन को भी एक्सप्लेन कर सकूँ और आपके मैरिड लाइफ को भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही हिम्मती इंसान हो सकते हैं, ये बहुत फियरलेस पर्सन हो सकते हैं, वॉरियर हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के अंदर भी वो अंदर भी बहुत स्ट्रेंथ होगा, और बाहर से भी, मतलब फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो उस तरीके से भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, मतलब फिजिक जो है इनका वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा जज करते होंगे लोगों को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ये इनकी थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन आपके जो पर्सन है कभी इनसे कोई गलती हो गई या फिर कुछ भी ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं कि घमंडी है, माफ़ी नहीं मांगेंगे।
आपके जो पर्सन है वो माफ़ी मांगने वाले इंसान भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ साथ दया भी होगा बाकी सारे लोगों के लिए, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो जैसे कि रोशनी बन के, ठीक है, सनलाइट, सनराइज जो भी कह सकते हैं, वो बन के आपके लाइफ में आ रहे हैं और आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है। आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा और आप भी बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, इनकी बहुत समाज में वैल्यू होगी, रिस्पेक्ट होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि इनको ना लोग जानते पहचानते बहुत ज़्यादा होंगे, इन्फ्लुएंसर वगैरह भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है, कुछ काम करते हो, यूट्यूबर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके वजह से ये फेमस है, लोग इनको जानते हैं। एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं अपने सिटी में, अपने स्टेट में, तो इनको इनके नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर है, ये सब है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो उस मैरिड लाइफ में कंपैशन होगा, काइंडनेस होगा और बहुत ज़्यादा प्यार होगा। आपके जो पर्सन है कभी कोई दिखावा नहीं करेंगे, ये इंसान आपको दिल से प्यार करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं माई लाइट शाइन्स ब्राइटली, क्या लिखना है, माई लाइट शाइन्स ब्राइटली, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं आई शाइन द लाइट ऑफ कंपैशन काइंडनेस एंड लव फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैरिड लाइफ क्या होता है, एक टाइम आते 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 फीलिंग जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, और पर्सन सामने वाले पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो क्या आप दोनों के बीच में हमेशा वो इंथुजियाज़म, हमेशा वो प्यार बना हुआ रहेगा या नहीं? तो इसका आंसर है यस, आप दोनों के बीच में हमेशा वो इंथुजियाज़म, हमेशा वो प्यार बना हुआ रहेगा। और जैसे जैसे आपकी शादी हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा टाइम आ रहा है, अ पीरियड या फिर अ टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आपके लाइफ मीनिंगफुल होगी, आपके लाइफ में आपको पर्पस मिलेगा कि मुझे अब ज़िंदगी में क्या करना है। और प्रॉस्पेरिटी तो बहुत ज़्यादा होगी ही होगी, प्रॉस्पेरिटी मतलब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये इंसान आपके स्पिरिचुअल टीचर नहीं पर हाँ स्पिरिचुअल हेल्पर हो सकते हैं, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ने में गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इस पर्सन के साथ आपका जो मैरिड लाइफ होगा उसमें बहुत क्लियर विजन होगा, ठीक है, क्लियरिटी होगी, और आप दोनों के बीच में जो मोमेंट होगा, जो टाइम स्पेंड करोगे वो भी बहुत खूबसूरत होगा। आपके पर्सन आपके बिना परमिशन के कोई भी डिसीज़न नहीं ले लेंगे, कोई भी अगर डिसीज़न होगा तो वो आप दोनों का अपना डिसीज़न होगा और आप दोनों सोच समझ के कुछ बड़े डिसीजन लोगे, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आइडिया भरे हो सकते हैं, इस पर्सन के अंदर बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे। आपके जो पर्सन है ये किसी भी तरह का कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई फियर या किसी भी तरह का कोई इनसिक्योरिटी मैरिड लाइफ में नहीं रहने देंगे, ठीक है। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, हमेशा आपके जो पर्सन है वो आपके तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या एनर्जी है वो भी मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, इसके लिए मैं और भी क्लैरिफाई करके कार्ड लूँगी, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ, इम्प्रेरर की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही ऑनेस्टली अपने मैरिड लाइफ को आपके साथ निभाने वाले हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी अच्छे तरीके से निभाने वाले हैं। इस पर्सन के साथ जब आप रहोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पर्सन मुझे पूरी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाते हैं। आपके पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं और आपके पर्सन थोड़े डोमिनेंट हो सकते हैं। ये पर्सन आपको किसी भी तरह के कपड़े पहनने से रोकेंगे नहीं या किसी भी तरह के लाइफ जीने से रोकेंगे नहीं, ठीक है। कुछ गलतियाँ करोगे तो उसमें आपको रोक सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने दोस्तों से मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉलिड फील करेंगे, बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप भी इनसे इतना ही प्यार करते हो जितना ये करते हैं, और ये पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ सफिशियंट जैसा मतलब फील होगा। इनको ऐसा लगेगा कि मुझे जितना चाहिए था अपने लाइफ में उतना मुझे मिल चुका है, जितना प्यार मैं चाहती थी, जितना मैं प्यार चाहता था उतना प्यार मुझे अपने पार्टनर से मिल रहा है। तो ऐसा यहाँ पे आपका मैरिड लाइफ हो सकता है। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। किसी भी हो दुनिया के कोने में कोई भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए आप ले सकते हो।
और वी है यहाँ पे इस पर्सन का नेम इनिशियल, एल जी एल ए हो सकता है, फोर लास्ट यहाँ पे देखते हैं। ऑल राइट, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको डिटेल रीडिंग और भी मिल जाएंगे मैरिज से रिलेटेड या कुछ भी हो तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे डी भी हो सकता है एंड क्यू हो सकता है, लास्ट वन इज सी, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम थर्ड नेम। और ऐसा मुझे लग रहा है कि ये नेम इनिशियल आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपके खुद के नेम इनिशियल से भी मैच किया है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं, सबसे पहले बिहार है आपका, छत्तीसगढ़ है आपका, केरला के भी हो सकते हैं। देन आपके जो पर्सन है वो तमिलनाडु के हो सकते हैं, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड लास्ट वन इज उड़ीसा। ठीक है, तो ये सारे हो गए स्टेट्स। अब मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, परफेक्ट एंड एक्यूरेट कंट्री दीजिए। सबसे पहले फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लेक्सेंस्टाइन, रोमानिया, टर्की, साउथ कोरिया, मे बी आपके जो पर्सन है वो श्रीलंका के हो सकते हैं, कतर के हो सकते हैं एंड लास्ट वन इज लग्जमबर्ग। और भी कंट्रीज़ मैं आपको बता देती हूँ कौन से कंट्री के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले तो यहाँ पे चाइना है आपका, चाइना के हो सकते हैं। देन आपके पर्सन तुर्कमेनिस्तान के हो सकते हैं, मलेशिया। देन आपके जो पर्सन है वो मैक्सिको के हो सकते हैं। देन मैक्सिको के बाद आपके पर्सन का कंट्री हो सकता है, लास्ट वन इज आर्मेनिया। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हुए जहाँ पे हो सकता है ब्रांड एम्बेसडर हो, कुछ भी हो, ठीक है, काम करते हो, वर्क करते हो, जो भी है वो मैं आपको क्लियर करके आप बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है फिज़िकल अपीयरेंस कैसा होगा, प्रोफेशन कैसा होगा, क्या होगा। सबसे पहले फिज़िकल अपीयरेंस देखते हैं। डार्क आइज, फेयर होंगे आपके पर्सन, ब्लैक आइज होगा उस पर्सन का, डिफेंसिव एंड प्रोटेक्टिव होंगे आपके पर्सन। एंड देन यहाँ पे इस पर्सन का क्लास बहुत क्लासी होंगे और ओशियन ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रेट हेयर होगा इस पर्सन का, आपके जो पर्सन है उनका नोज स्मॉल होगा और आपके जो पर्सन है वो फ्रिकलेस होंगे। ठीक है, लुक्स की और बात कर लेते हैं, तो जैसे इस पर्सन के पास मुझे पेट्स दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके कोई करंट पर्सन है तो उनसे भी आप मैच कर सकते हैं। काइंड बहुत होंगे, मस्क्यूलर हो सकता है इस पर्सन का पर्सनालिटी, ठीक है, जिम वगैरह डेफिनेटली जाते होंगे। देन यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही जेंटल, बहुत ही काइंड होंगे, पेल कलर हो सकता है इस पर्सन का, तो ये सब है लुक्स के एनर्जी। अब यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन। देन यहाँ पे आपके पर्सन डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर और सेल्स इंजीनियर, नर्स। देन आपके जो पर्सन है वो मैजिशियन हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, स्टॉक ब्रोकर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड लास्ट वन इज सिविल सर्वेंट। तो ये सब जो हो गए आपके पर्सन के प्रोफेशन हुए। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अब्रॉड, मॉल, जिम, जू में भी मिल सकते हैं आप लोग, इंस्टीट्यूट हो सकता है आपका, वाटर पार्क हो सकता है, कोई पब हो सकता है, ऑर्फनेज हो सकता है आपका एंड
वर्क प्लेस भी होने के चांसेस है यहाँ पे. ओके एंड लास्ट वन इज़ लाइब्रेरी. तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप मिलेंगे. जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए. 11:11 निकलकर सुबह बाय, टेक केयर.